क्या पेप्सी चाहिए? पेप्सी दे दो। नाइस स्लीपर एंड नाइस ड्रेस करनी है, पार्टी करनी है। मामी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कंप्लेन कर रही हो ना जी? हमने आपको डांटा। गाइज ये मदिया कुछ खाने का ढूंढने आई है। मदिया बेटा डाइटिंग कर रही हो आप? क्या मतलब, पेप्सी, क्या चाहिए? पेप्सी दे दो, कोई खाने की चीज़ दे दो। ये इतने देखो में मैं चली जाऊंगी, इतने में तो मंगाओगे। पेप्सी की बॉटल रखी हुई है लेकिन दिया पेप्सी की बॉटल है लेकिन उसमें पानी है। यार ये एक्शन गया है तो मैं मंगा रही। तो मैं बता रही हूँ ना उसमें पानी रखा हुआ है, वो पी लो कोल्ड ड्रिंक समझ के। नहीं मैंने नहीं पीनी, प्रॉमिस। फूड पांडा करवा लेते हैं। ओके स्टिंग स्टिंग हाँ मुझे भी पीनी है। मुझे ही पीनी है एक मेरे लिए अभी, और एक दो चिप्स मंगवा लेना तो कोई मसला नहीं हो। हाँ खाने तो पड़ेंगे ना यार, सिंपल कोल्ड ड्रिंक तो अच्छी नहीं लगेगी ना यार। हाँ ठीक है स्ट्रिंग मंगवा लेती हूँ। वहाँ तुमने तो नहीं पीनी ना। क्यों? अच्छा ये स्टिंग बेरी ब्लास्ट क्या होता है? स्टिंग तो स्टिंग होता है। गाइज ये अभी हमारे आया है सामान, मेरा तो नहीं है, आपका सामान। मैं तो आपका नहीं है तो ये स्टिंग किसकी है? ये महाद की स्टिंग है, वो आप लेके जा रहे हैं। ओके सही है। ओ नाइस स्लीपर एंड नाइस ड्रेस, दिस इज OOTN आउटफिट ऑफ द नाइट। नाइस स्लीपर्स, देखें गाइस नाइकी स्लीपर्स हैं ये मधिया की। सो प्रीटी, कोल्ड ड्रिंक खोल रही हूँ और पी भी रही हूँ ये भी बता दो ना। क्या हुआ मधिया बेटा? कोई बात नहीं, होता है ना। सही प्रैंक हो गया है मधिया के साथ, प्रैंक हो गया गाइस। अच्छा पता है क्या, वो नाइकी चप्पल जो बनी थी वो चलो कोई मसला नहीं है, बस अल्लाह हाफिज। गाइस थोड़ी देर के लिए पढ़ाई से मूड ऑफ हो गया था मेरा, तो मैंने कुछ खाया पिया है, मैं वापस मूड में आ रही हूँ। और बाकी बेचारी मदिहा जो है वो तैयार शहर रही, वो समझ रही थी कहीं अच्छी जगह पे पार्टी शार्टी होगी, लेकिन अभी ऐसे मैंने बताया वो तो घर में है। तो ये मैंने क्या पहन लिया, तो वही अभी हम डिस्कस कर रहे थे। बाकी मैं पढ़ने जा रही हूँ, टाइम नहीं है। ना सुबह से जब से आई हूँ ना, मैं अरियाना से नहीं मिली हूँ, और मुझे अचानक से ऐसा लगा मुझे उसकी याद आ रही है। देखते हैं वो सो रही है या उठी हुई है। ऐसे मैं मरिया तो चले गए एमन की बर्थडे में, तो अभी हम देखते हैं अरियाना क्या कह रही है। आप देखिए सर, मेरी आप जाग रहे हो, आप जाग रहे हो, आपसे कोई बातें नहीं कर रहा। मेरी बेटी से, मेरी बेटी के छत को उठी रहती है हर वक्त, आपसे कोई बात ही नहीं कर रहा। आपको नीनू नहीं आ ली है, आपको नहीं सोना, आपको मामी याद आ ली थी, आपको मामी से बातें करनी है। क्या करना है बता दो भाई, हमारे सब्सक्राइबर्स को बता दो। ये मैं अरियाना को उठा के लाई हूँ, क्योंकि मुझे अरियाना के साथ बहुत शाला खेलना है। मेरा दिल चाह रहा है अपनी गुड़िया के साथ खेलने का। ये भी बंद कर दो अभी। गाइस ऐसा लग रहा है ये डर रही है, ये थोड़ा सा डर रही है अभी। ये जाहिर है ये मेरे कमरे में अकेली पहली बार आई है मदिहा के बगैर। हाय कर दो। हेलो सब्सक्राइबर्स, हेलो मेरी मामी के सब्सक्राइबर्स, मेरी मामी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके हाथों पे पापा कर लें गाइस, पापा कर लें सब अलियाना के हाथों पे। ये अलियाना को अम्मी और मैं अपने साथ ये ड्रामा दिखा रहे हैं बजाय कोकोमेलन के। ठीक है भैया अलियाना, ठीक है, अच्छा लगा आपको ड्रामा? अच्छी लगी आपको स्टोरी? पसंद आया? The next day. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस टाइम हो रहा है 10, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। लेट इन अ सेंस मैं जल्दी जाती हूँ इस वजह से लेट हो गई हूँ, वरना पेपर तो हर साल 12 बजे स्टार्ट होता है। तो लेकिन हम यह काम ये करते हैं, हम जल्दी जाते हैं और प्रिपरेशन करते हैं, तकरीबन हमारे पास बहुत टाइम होता है, तो हम अच्छी खासी हमारी तैयारी हो जाती है। बट आज मैं थोड़ा सा लेट सोई थी रात में, तो इस वजह से मैं देर से उठी खुद ही ना, तो वो बस मैं निकल रही हूँ। एंड ड्राइव मैंने करा लिया है और फिर जाते हैं यूनिवर्सिटी। तो अभी मंगवाई है बिरयानी,
अरिब उस्सहर आई हुई है हमारे पास, साथ में तारक मेहता लगा हुआ है, महाल इधर काम कर रहे हैं, पार्टी हो रही है हमारी। कल हमारा है थेरेप्यूटिक का पेपर, मैं और ये अरिब उस्सहर बैठ के रट्टा मार इनकी जगह अभी तक नहीं बदली है, ये बेचारे वही जब से मैं आई हूँ तब से ये काम ही कर रहे हैं, काम काम और काम। अभी इन्होंने जाना है मीटिंग में तो कपड़े निकलवाएं और मैं रट्टे मार रही। गाइज रिमेंबर अस इन योर प्रीशियस प्रेयर। कल हमारा बहुत मुश्किल पेपर है, मुश्किल पेपर नहीं है, मुश्किल बनाया हुआ है इसको, हमारे जो सर है ना उन्होंने मुश्किल बनाया हुआ है, और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। अभी हम गूगल से सर्च कर रहे हैं सारे आंसर। क्या लिखो याद है तूने, हाउ टू डू पार्टी इन पेपर्स, ये मेरे साथ पढ़ने आई है, करनी है पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे। थेरेप्यूटिक गाइस, थेरेप्यूटिक मोड ऑन, आई एम डूइंग माय ओन थेरेपी, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वी नीड हाइड्रोथेरेपी गाइस। अल्लाह अल्लाह करके हमें दो पीढ़ियाँ याद हो गए, तो अभी भी रहते हैं यार, क्यों होते हैं ये पेपर्स, क्यों होते हैं अरिब, तुम्हें क्या लगता है क्यों होते हैं, पेन किसने जाते हैं। सेम क्वेश्चन अरिब, सेम टू सेम, नथिंग चेंज, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है मेरा। हुरैन आई है हमारे घर, दिखाना, इतनी जोर से लग गई थी तुम्हारी चोट, हुरैन इधर आओ, दिखाओ तो क्या हो रही हो, इधर आओ, मैं और चिड़चिड़ा कर दूँ, मजीद चिड़चिड़ा कर दूँ, इसका तो काम ही है ये चिड़चिड़ा करना लोगों को, ये पार्ट टाइम जॉब ही है। इधर आओ तो, इधर आओ हुरैन, ए हुरैन, ए हुरैन। अरे तो क्यों पढ़ रही है, अभी 11 तो बजे हैं, अभी तो बहुत टाइम है पेपर होने में, पूरे 12 घंटे हैं, 12 बजे हमारा पेपर स्टार्ट होता है गाइस, ठीक है, साढ़े 12 घंटे, फजूल बिल्कुल, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, बंद कर दे, पार्टी करेंगे बैठ के। अरीब अभी, अरीब और मैंने पिज्जा मंगवाया, हम पिज्जा खाएंगे, पिज्जा मंगवाया है हम लोगों ने, फर्स्ट टाइम मैंने 40 इंच मंगवाया, मुझे पता नहीं था इतना बड़ा होता है, ये अरीब की वजह से असल में सब हुआ है, ये बहुत खा रही है, आपको सेहत देख के लग रहा होगा बहुत खाती है, और ये मैडम पिज्जा के चक्कर में तो आएंगे, लेकिन इनको देख के मिर्चें लग रही हैं खा भी नहीं रही हमारी, कंप्लेन कर रही हो ना, कंप्लेन कर रही हो ना, हमने आपको डांटा, हमने आपको माला, हमने आपको माला था, है ना, ये बता रही हो ना, मम्मा को किसी ने आपको प्यार नहीं किया, किसी ने आपको जुजू नहीं दिया। ओके गाइस, तो अभी तकरीबन 12:30 हो रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मेरी दोस्त गई है, और हम दोनों बहुत थक गए थे, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट घर आए, फिर घर आके हम थोड़े से सोए, खाए पिया, फिर उठ के पढ़ने बैठ गए, बस यही यार पेपर्स के दौरान यही रूटीन चल रही होती है। खैर कुछ दिन की बात है, लाइक 7 दिन और दिन गिन रहे हैं हम लोग, बस आप लोग दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा कि यार सब कुछ अच्छे से हो, मेरे पेपर्स अच्छे से हो जाएं। कल का पेपर थोड़ा सा टफ है, टफ तो नहीं कहूँगी, थोड़ा सा लेंदी कहूँगी, मतलब लेंदी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम लोग को थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट आप लोग दुआ कीजिएगा कि अच्छा हो जाए, और बाकी मुझे सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, मैं बहुत बिजी स्केड्यूल है, मुझे नहीं पता मैं व्लॉगिंग कैसी कर रही हूँ, कैसी नहीं कर रही हूँ, आई डोंट नो, शायद ओके कर रही हूँ व्लॉगिंग, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लविंग मी, मुझे प्यार करते हो इसी वजह से मुझे देख रहे हो, नहीं भी करते कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है, तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मिलते हैं।